जम्मू काश्मीर मधील अनंतनाग येथील काश्मीरी पंडित सरपंचाच्या हत्येप्रकरणी अभिनेते अनुपम खेर यांनी संताप व्यक्त केलाय. ट्विटरवर एक व्हिडिओ पोस्ट करत त्यांनी राग व्यक्त केलाय. या हत्ये प्रकरणावर बुद्धिजीवी लोकांचं मौन का आहे असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केलाय. अनुपम खेर नेहमीच समाजात घडणाऱ्या विविध घडामोडींवर मुक्तपणे व्यक्त होताना दिसतात. ते स्वतः काश्मीरी पंडित आहेत. काश्मीरी पंडितांवरील अत्याचारावर त्यांनी अनेकदा भाष्य केलंय. 19 जानेवारी 1990 हा देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस म्हणून ओळखला जातो, कारण त्या दिवशी काश्मीरी पंडितांना खोरं सोडून बाहेर जावं लागलं होतं. त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसते असं म्हणत त्यांनी मौन बाळगणाऱ्यांवर निशाणा साधलाय. अनंतनाग मध्ये झालेल्या काश्मीरी पंडित सरपंचाच्या हत्येनं मी फार दुखी आहे. या घटनेचा मला संताप देखील येतोय. भर रस्त्यात त्यांच्यावर गोळी झाडली गेली. 19 जानेवारी 1990 रोजी घडलेल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसते. काश्मीरमध्ये भर दिवसा असे अनेक लोक मरतात असं किमान आता म्हणू नका. इतकी मोठी घटना होते आणि यावर कोणीच व्यक्त होत नाही याच फार आश्चर्य वाटतंय असं त्या व्हिडिओत म्हणत आहे. दिन दिहाडे कश्मीर के अनंतनाग में एक अकेला कश्मीरी पंडित, अकेला इन द सेंस कोई और कश्मीरी पंडित सरपंच नहीं था पूरे कश्मीर में, उसको हत्यारों ने, उसको टेररिस्ट ने गोली मार दी सड़क पर. ये फिर दोहराया जा रहा है वही कांड जो 80 के दशक में हुआ था, जिसको एक फाइनल अंजाम दिया गया था 19 जनवरी 1990 को. उसके माँ बाप को बिलखता देखकर, उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत रोष भी हुआ. अब ये मत बोलना कि कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं. कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारकर या डराकर या उनकी महिलाओं को रेप करके 500,000 यानी 5,00,000 कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है और वो सिलसिला अभी तक जारी है. और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुहाएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया. किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं. मौन रखा था अभी मैंने ये पॉज में उसके परिवार वालों के लिए, या जो भी कश्मीर में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पंडित हो, जो भी अभी भी टेररिज्म का शिकार हो रहा है उसको बचाना नहीं है. जब वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कल को आपके भी किसी परिवार के सदस्य को ऐसे ही दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी. मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके परिवार वालों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए. ओम शांति.